पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर सहित 6 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा, जिसके संबंध में सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के 6 स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिसमें गोंडा, छपरा, गोरखपुर, गोमती नगर, लखनऊ और काठगोदाम रेलवे स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर और गोंडा स्टेशन को सेंटर ऑफ सिटी बनाने के लिए भवन के नए ढांचे का मॉडल तैयार हो गया है। गोरखपुर स्टेशन के भवन पर गोरखनाथ मंदिर व गीता प्रेस का आकृति दिखाई देगी। एजेंसी अगले सप्ताह महाप्रबंधक व अन्य अधिकारियों के सामने मॉडल व डिजाइन प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि मॉडल प्रस्तुत करने के बाद एजेंसी जंक्शन के नए स्वरूप का खाका और उसके निर्माण में आने वाले खर्च का ब्यौरा भी देगी। इसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन रिपोर्ट को रेलवे बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेजेगा तथा विकसित होने के बाद स्टेशनों के रूफ प्लाजा में फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज, बच्चों के खेलने की जगह के साथ ही स्थानीय उत्पादों की दुकानें भी होंगी। मेट्रो सेवा, सिटी बस और यातायात के अन्य साधन जंक्शन के पास उपलब्ध होंगे। इन स्टेशनों का विकास आगामी 40 से 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, रेलवे पर स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के कुल 6 स्टेशन ऐसे हैं जो रीडेवलपमेंट के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से गोरखपुर, गोंडा, छपरा, गोमती नगर, लखनऊ जंक्शन और काठगोदाम रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों को एक नया स्वरूप प्रदान करना है और इनकी जो डिजाइन की जा रही है वो आने वाले 40-50 साल की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया जा रहा है। इसमें स्टेशन को सिटी सेंटर के तौर पे डेवलप किया जाएगा, जिससे स्टेशन लोगों के जोड़ने की जगह बने और जो अभी वर्तमान स्वरूप है स्टेशन का वो एक बहुत ही नए रूप में दिखेगा। ढेर सारी नई फैसिलिटीज वहाँ पे आएंगी, एक भव्य सेकेंड एंट्री होगी, रूफ प्लाजा होगा जहाँ से डायरेक्टली यात्री जो है प्लेटफॉर्म पे जा सकेंगे। साथ ही साथ स्टेशन पे आवश्यकता की हर तरह की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल्स, ये सारी चीज़ों का भी प्लान किया जाएगा। इसके लिए एक कंसल्टेंट नियुक्त किया है जो कि इसका डिजाइन तैयार कर रहा है। इसमें जो सर्वे का कार्य है वो प्रिलिमिनरी सर्वे का, प्रारंभिक सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके बाद स्टेशन कैसा दिखेगा इसका एक स्वरूप के साथ वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति देंगे, जिसका फाइनलाइजेशन होने के बाद वो स्टेशन का स्वरूप हम लोग गोरखपुर वासियों के सामने लेकर आएंगे और फिर अकॉर्डिंगली उस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। सर कुछ आकृति भी दिखाई देंगी तो मंदिर का? जब भी हम बहुत बड़ा, चूंकि एक सेटअप बना रहे हैं, बहुत बड़ा स्टेशन डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें जो स्थानीय चीज़ें हैं गोरखपुर की उसका अक्स कहीं ना कहीं जरूर रहेगा, जिससे ये पता चले स्टेशन को देख के कि वो कहाँ का स्टेशन है।